हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इसको डिटेल में मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपने उस वीडियो में इंश्योरेंस राइडर के बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने, लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इंश्योरेंस राइडर क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए कर लीजिए अभी से लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस राइडर एक फैसिलिटी है जिससे आपको एक एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाता है। टर्म प्लान्स में आपको ज़्यादातर राइडर्स ही मिलेंगे। हर राइडर की अपनी कंडीशन होती है और अपने दाम होते हैं, जो टर्म प्लान, प्रीमियम और कंपनी पर डिपेंड करते हैं। कुछ राइडर आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट होते हैं, यानी कि वो पॉलिसी में पहले से ही होते हैं, आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, जिससे प्रीमियम भी बढ़ता है। राइडर आप पॉलिसी खरीदते वक्त या बाद में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि आप किसी राइडर को कब तक ले सकते हैं। हर कंपनी का अपना अलग रूल होता है। दोस्तों, आप जानते हैं राइडर कौन कौन से होते हैं? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। दोस्तों, अगर ये राइडर बीमा धारक ने लिया होगा और बीमा धारक की मौत एक्सीडेंट से हो जाती है, तो जो सम एश्योर्ड था पॉलिसी में वो तो नॉमिनी को मिल जाएगा, साथ ही इस राइडर का एक्स्ट्रा पैसा भी नॉमिनी को मिलेगा जो बीमा धारक ने पॉलिसी लेने के समय चूज किया होगा। कुछ कंपनी इस राइडर पर कितना पैसा देंगी ये फिक्स कर देती हैं और उससे ज़्यादा नहीं देती हैं। ऐसी रिलेटेड डेथ बेनिफिट राइडर। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि कौन कौन सी बीमारियां टर्मिनल इलनेस की कैटेगरी में आती हैं। इसीलिए अगर किसी बीमा धारक को टर्मिनल इलनेस हो गया है तो उसके इलाज में उसे काफ़ी भारी भरकम पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बीमा धारक ने ऐसी रिलेटेड डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा होगा तो उनके परिवार को उसके इलाज के लिए पहले ही सम एश्योर्ड का कुछ हिस्सा मिल जाएगा बीमा धारक का इलाज कराने के लिए, जो ऐसे मुश्किल दिनों में काफ़ी फायदेमंद है। इस राइडर में आपको पहले ही लेते वक्त पता चल जाएगा कि कितना सम एश्योर्ड का एडवांस मिल सकता है। ये राइडर काफ़ी सस्ते में मिलता है और इसका प्रीमियम पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट की वजह से वो आधा या पूरा विकलांग हो जाए, तब इस राइडर का काम शुरू होगा। अगर बीमा धारक ने इसे लिया होगा तो इस राइडर की वजह से कुछ पॉलिसीज में बीमा कंपनी एक्सीडेंट के बाद सम एश्योर्ड का कुछ परसेंट अगले 5 से 10 साल तक बीमा धारक को देती है। इसका भुगतान बीमा कंपनियों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहती हैं, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा जब एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट की वजह से बीमा धारक पर आधी या पूरी विकलांगता आ जाएगी। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस की एक लिस्ट होती है जो हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दे रखी होती है। अगर बीमा धारक ने ये राइडर लिया है और उसको कोई क्रिटिकल इलनेस लिस्ट में दी गई कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमा धारक को एक मुश्त पैसा मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस में काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायलिसिस या किडनी फेलियर। इनके अलावा भी कई सारी बीमारियाँ हैं। बीमारी पता चलने पर और पैसा बीमा धारक को दे दिए जाने के बाद कहीं कहीं पॉलिसी बंद हो जाती है और कहीं कहीं सम एश्योर्ड में उस पैसे को एडजस्ट कर देते हैं। हालांकि ये सब कुछ पॉलिसी और बीमा कंपनी पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसके बारे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर बीमा धारक ने इस राइडर को लिया होगा और कभी भविष्य में अगर बीमा धारक किसी कारणवश प्रीमियम नहीं दे पाया या दे पा रहा होगा, तो आगे के सारे प्रीमियम माफ़ कर दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिसी भी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन वहीं इसका अगर उल्टा सोचें कि अगर बीमा धारक ने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर यानी ये राइडर नहीं लिया होगा, तब उस केस में अगर किसी वजह से आगे के प्रीमियम बीमा धारक नहीं दे पाया, जैसे नौकरी चली गई या बीमारी या कुछ भी हो जाने की वजह से अगर वो प्रीमियम नहीं दे पाया, तो उस केस में पॉलिसी वहीं एक्सपायर कर जाएगी और आगे का जो टर्म है जिसमें अगर कुछ हो जाता तो उसको पैसा मिलता, नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता,
तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो इस राइडर का ये बहुत अच्छा फायदा है, इनकम बेनिफिट राइडर। अगर ये राइडर बीमा धारक लेता है तो उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली को सालाना 5 से 10 साल तक कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी, सम अश्योर्ड के अलावा। मतलब सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही, वो तो एक बार में मिल जाएगा, लेकिन इनकम भी मिलेगी 5 से 10 साल तक सालाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस राइडर के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ज्ञान विज्ञान को। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।